शिव नगर पालिका ने तोड़े नालों पर बने अतिक्रमण। बीजेपी पार्षद राजेंद्र मित्तल ने मांगा 3 दिन का समय, नहीं मिला तो सीएमओ को थमाया अपना इस्तीफा। इसी के साथ देर शाम तक 6 और बीजेपी पार्षदों ने भी दिया इस्तीफा। खबर श्योपुर से है, जहां कलेक्टर के सख्त आदेश पर आगामी बारिश को देखते हुए नगर पालिका का अमला शहर के सभी नाले नालियों की सफाई करने के लिए मैदान में उतर चुका है, मगर कई जगहों नालों पर दुकानदार और मकान मालिकों के कब्जे और अतिक्रमण इस सफाई अभियान के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके लिए नगर पालिका तुरंत ही GCB की मदद से नालों पर बने सभी अतिक्रमण और निर्माण हटा रही है। आपको बता दें कि नालों की सफाई के लिए हटाए जा रहे अतिक्रमण पर अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। एक के बाद एक पार्षद अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। आज जब नगर पालिका की टीम नालों की साफ सफाई के साथ नालों पर बने अतिक्रमण हटाने को कार्यवाही शहर के वार्ड क्रमांक 7 में कर रही थी, तभी वहां मौजूद लोग नगर पालिका प्रशासन से कहने लगे कि वह कुछ समय दे, वहां खुद नाले के ऊपर से अपना अतिक्रमण और निर्माण स्वयं हटा लेंगे और नाले को सफाई करके दे देंगे। इसी बात को लेकर कुछ बहस भी वहां होने लगी थी, जिस पर श्योपुर SDM मनोज गढ़वाल मौके पर आ गए। लोगों ने उनसे भी यही विनती की, मगर SDM कहते नजर आए कि जो कार्यवाही चल रही है ऐसे ही निरंतर चलेगी। मौके पर पहुंचे वार्ड क्रमांक 7 से BJP पार्षद राजेंद्र मित्तल ने भी जनता की बात का सम्मान रखते हुए नगर पालिका CMO से जनता द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटवा लेने के लिए 3 दिन का समय मांगा, मगर उन्हें बिल्कुल समय देने से मना कर दिया गया, जिस पर पार्षद राजेंद्र मित्तल और उनके समर्थकों को बड़ा बुरा लगा। इसके बाद पार्षद राजेंद्र मित्तल ने अपना इस्तीफा CMO को सौंप दिया। साथ ही राजेंद्र मित्तल बोले, सत्ता पक्ष का पार्षद होने के बावजूद भी यदि मैं अपनी जनता के लिए इतना ही नहीं कर सकता तो क्या मतलब है ऐसे पदों पर रहने का। राजेंद्र मित्तल के साथ साथ अब 6 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमने अपना समय दे दिया, आया था मेरे बारे में नाले की सफाई होनी थी। मेरा निवेदन किया था पानी पानी का कोई निकास नहीं है, इसका खड़े तोड़ना और किसी का मकान तोड़ना पानी की निकासी की समस्या का निदान नहीं है। इसके बाद भी मैंने उनसे निवेदन करा CMO साहब से, मेरे साहब मेरे को आप 3 दिन का टाइम दो, मेरी सभी मकान वालों से बात हो गई है और वो अपने अपने खड़े अपनी स्वेच्छा से मजदूर लगा के हटवा लेंगे, परंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। मेरी जनता को बहुत दुख हुआ, मेरे बाड़वासियों को बहुत दुख हुआ, इसी से हाथ होकर मैंने इस्तीफा दिया। सर आप पद के पार्षद हो, मतलब आपके ही जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं उसके बावजूद इस तरह की समस्या है? सत्ता पक्ष के पार्षद होने की वजह से तो मैंने इस्तीफा दिया है, सत्ता पक्ष के पार्षदों की सुनवाई नहीं है नगर पालिका में, तो मैंने ऐसे पक्ष से मेरे को क्या मतलब। मैं कोई इस पद के लिए कोई कमाई करने के लिए तो आया नहीं हूँ, तो मेरे को इस पद से कमाई करनी है, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और अगर बाढ़ में मेरी जनता दुखी रहेगी तो मेरे को ऐसा पद नहीं चाहिए। सर कुछ दिनों से खबर भी चल रही है कि कुछ कमीशन का भी मामला नगर पालिका में चल रहा है। अब देखो कमीशन के लिए तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, जो कमीशन लेता होगा वो जाने, अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी मतलब मेरे पर आरोप लगाता है कि मैंने कमीशन लिया है तो मैं पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूँगा। आपके ऊपर नहीं, जो लॉबी बैठी हुई है अब वो लॉबी तो भाई लॉबी अध्यक्ष जाने या CMO जाने, इसके लिए मैं नहीं पूछूँगा।